हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं रंग बिरंगा सा प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे मैंने तीन कलर से बुना है, ग्रे कलर, येलो और रेड कलर से। आप भी अपने पसंद के कलर से इस पैटर्न को बनाएंगी तो ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे हम लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों के ब्लैंकेट में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो ये बहुत प्यारा लगता है। और इसे बनाना तो बिल्कुल ही आसान है। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3+1 यानी कि 4 के मल्टीपल में फंदे डालने होते हैं, प्लस 3 फंदा एक्स्ट्रा, और 8 सिलाइयों में यह पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। यानी 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर हम दूसरे कलर से पैटर्न को रिपीट करते हैं। रॉन्ग साइड से यह कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे पीछे में धागे फंसते नहीं हैं। मल्टी कलर बुनाई में एक परेशानी ये होती है कि पीछे में धागे एक दूसरे में फंसने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। देखिए, एक कलर से बुनाई पूरी करने के बाद ही फिर हम दूसरे कलर से बुनाई पूरी करते हैं, तो पीछे में धागे लंबे लंबे से खींचे हुए नहीं दिखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए नए डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट के पहुंचते रहें। तो चलिए, अब हम पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं, प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा 3 फंदे मैंने लिए हैं उसमें से एक फंदा हम पैटर्न को सेट करने में यूज़ करेंगे और 2 फंदे हमारे एज एज स्टिच यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम प्राइमरी कलर जो हमारा है ए कलर, इससे हम 2 सिलाइयाँ सिंपल तरीके से सीधे की तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा बुनकर पूरा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रे कलर के ऊन को एज ए प्राइमरी कलर यूज़ किया है। पहली सिलाई हमारी राइट साइड की पूरी सीधी बुन लेनी है। हम इसे पूरा का पूरा सीधा बुनकर पूरा कर लेते हैं। दूसरी सिलाई हमारी रॉन्ग साइड की है, जिसे हमने पूरा का पूरा उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेना है। यानी हमने प्राइमरी कलर से 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए पूरा कर लेना है। तो इसे मैं पूरा उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेती हूँ। थर्ड रो हमारी राइट साइड की है, जिसे हमने बी कलर से यानी कि कलर से बुनना है, यानी कि हमने ऊन का कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने एज ए बी कलर येलो कलर के ऊन को यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकती हैं। इसे हम जोड़ लेंगे। और अब हमने 2 सिलाइयाँ येलो कलर के ऊन से सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनकर पूरा कर लेना है। ये हमारा थर्ड रो है। इसे हम सीधा सीधा बुनकर पूरा कर लेंगे। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की होगी, जिसे हमने बी कलर यानी कि हमने यहाँ पर येलो कलर एज ए बी लिया है, तो हम उससे ही उल्टा उल्टा बुनकर फोर्थ रो पूरा कर लेंगे। यानी हमने 2 सिलाइयाँ प्राइमरी कलर से जो कि मैंने ग्रे के रूप में लिया है उससे पूरा करेंगे, और फिर अगला 2 सिलाई येलो कलर से। तो ये टोटल 4 सिलाइयाँ हमने पैटर्न की बुन ली हैं। पांचवी सिलाई में हम पैटर्न बनाएंगे। ये 4 सिलाइयाँ हम पूरा कर लेते हैं। पांचवी सिलाई हमें ग्रे कलर से बुनना है। पहला फंदा हम सिंपल तरीके से सीधा बुन लेंगे, दूसरा फंदा भी सीधा। अब अगले 3 फंदों में हमने पैटर्न बनाना है। बीच वाले फंदे में हम 2 सिलाई नीचे से एक लूप बनाएंगे। देखिए, और ये लूप थोड़ा सा ढीला होगा। तीनों फंदों को हम बिना बुने उतार लेंगे, दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे, और ये जो हमने लूप बनाया था उसे आगे की तरफ से इस तरह गिरा देंगे। ये देखिए, एक फंदा सीधा। एक बार फिर अगले 3 फंदों में पैटर्न बनाएंगे, जिसके लिए हम बीच वाले फंदे में 2 सिलाई नीचे से एक लूप बनाएंगे।
ये लूप थोड़ा सा ढीला होगा और इन तीन फंदों को दाहिनी सिलाई पर बिना बुने डालेंगे और ये इस तरह से गिरा देंगे। एक बार फिर एक फंदा सीधा। तो इन्हीं चार फंदों को हमने फिफ्थ रो में बार बार दोहराना है। ये हमने एक सीधा बुन लिया, अब अगले तीन फंदों में हमने पैटर्न बनाना है। तो पहला, दूसरा, दूसरे फंदे में दो सिलाई नीचे से एक लूप निकालेंगे, ये देखिए, और तीन फंदे बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालकर इस लूप को इस तरह से गिरा देंगे। एक फंदा सीधा, एक बार फिर लूप बनाएंगे और तीन फंदे बिना बुने उतार लेंगे। इसे हम बाएं कांटे की सहायता से इस तरह से गिरा लेंगे, देखिए, एक फंदा सीधा, पहला, दूसरा, दूसरे फंदे में एक लूप निकालेंगे, दो सिलाई नीचे से, तीन फंदे बिना बुने हुए दाहिनी सिलाई पर डालेंगे और इस लूप को इस तरह से गिरा देंगे। एक फंदा सीधा और ये मेरे हमारा किनारे का फंदा। तो ये हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। सिक्स्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊन का कलर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसे बिना बुने उतार लेंगे। दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा भी उल्टा, देखिए। अब हम इस फंदे को बिना बुने ही रहने देंगे और फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, एक फंदा बिना बुने हुए, एक बार फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, एक फंदा बिना बुने हुए, तीन उल्टा, तीन, एक फंदा बिना बुने हुए और तीन फंदे उल्टे। इन्हीं चार फंदों को हमने रिपीट करते हुए इस सिक्स्थ रो को पूरा कर लेना है। तीन उल्टा हमने बुन लिया तो एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, एक बार फिर तीन फंदे उल्टे, ये हमारा सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गया। सेवेंथ रो हमने प्राइमरी कलर यानी कि ग्रे से पूरा का पूरा सीधा बुन देना है। तो हम सेवेंथ रो पूरा का पूरा सीधा सीधा बुनकर पूरा कर लेते हैं। एट्थ रो, आठवीं सिलाई हमारी रॉन्ग साइड की है, जिसे हमने उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेना है। ये देखिए, सिंपल तरीके से सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बुनने हैं, जिसे हम उल्टा बुनकर पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी आठ सिलाइयाँ पूरी हो गई और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमने सी कलर यानी कि तीसरे कलर से बुनाई करनी है। यहाँ पर मैंने, ये देखिए, येलो से बुनने के बाद फिर मैंने रेड कलर से पैटर्न बनाया है। अब आप भी अब कलर चेंज करके अपने मनपसंद रंग से आगे बुनाई कर सकती हैं। आपको ये पैटर्न कैसा लगा या मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।